बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन के बीच बिहार की नीतीश सरकार को गरीबों के लिए भोजन की भी चिंता है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन की तरफ से सामुदायिक किचन की शुरुआत की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरपुर में कोई भी भूखा न रहे, इसको लेकर व्यवस्था की गई है। प्रशासन की कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे गरीबों को आसानी से भोजन और पानी मिल सके जो कि खुद से इसका उपयोग नहीं कर सकते। सामुदायिक किचन को शुरू कराने का निर्देश देते हुए डीएम प्रवीण कुमार ने इस काम को नोडल पदाधिकारी की तैनाती में कर दिया है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से 3 केंद्रों पर सामुदायिक किचन शुरू किया गया। सभी केंद्रों पर नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। बेरिया बस स्टैंड, गरीब स्थान मंदिर और स्टेशन रोड स्थित जिला परिषद मार्केट स्थित रैन बसेरे के पास से लोगों को भोजन की सुविधा मिलनी शुरू हो गई। वहीं डीपीआरओ ने बताया कि निर्धन लोगों के लिए 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था जिले में 3 जगहों पर की गई, जहां लोगों को भोजन और पानी की व्यवस्था दी जा रही है। आलोक में प्रशासन द्वारा 3 जगहों पर कल शाम में इसकी शुरुआत हुई है सामुदायिक किचन की, जिसमें गरीब गुरबे निराश्रित जिनको खाने पीने की समस्या है वे लोग वहाँ पे खाना खा रहे हैं, उनको राहत प्रदान की जा रही है, उस पर सतत निगरानी भी रखी जा रही है, सामाजिक जो दूरी है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराई जा। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।